उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और मैनपुरी के जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा है कि मैनपुरी के पुलिस अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के लोग यहां के आम वोटरों और प्रधानों को धमका रहे हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान को प्रभावित किया जा सके। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोग उससे परेशान हैं, इसलिए वोटरों को अपने पाले में करने के लिए अब प्रशासनिक अफसरों का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन पर डिंपल यादव के समर्थन में हुई अनाउंसमेंट का मामला अब अफसरों पर कार्रवाई तक पहुंच गया है। इटावा रेलवे स्टेशन पर हुई अनाउंसमेंट के बाद यहां पर रेलवे के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्टेशन अधीक्षक की तहरीर पर तमाम लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने यहां पर रघुराज शाक के लिए लोगों से वोट मांगे। रघुराज शाक को बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी ने यहां पर शिवपाल सिंह यादव पर भी तंज कसा और ये कहा कि समाजवादी पार्टी के कथित चाचा की हालत पेंडुलम जैसी हो गई है। शिवपाल पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो पहले बेइज्जत करके निकाले गए थे, लेकिन फिर वहीं पर पहुंच गए हैं। जैसे फुटबॉल में फुटबॉल की अपनी कोई गति या दिशा नहीं होती, आजकल चाचा की भी वैसी ही हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान अपनी बहू डिंपल यादव का प्रचार करने वाले शिवपाल सिंह यादव को सरकार से झटका लगा है। योगी सरकार ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती करते हुए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देने से इनकार किया है और अब शिवपाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को आधी करने के फैसले के पीछे बीजेपी से उनकी दूरियों को वजह बताया गया है। शिवपाल सिंह यादव बीते दिनों बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया और उसके बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इसको लेकर सरकार उनसे नाराज दिखाई दे रही है और शायद इसी कारण शिवपाल की सुरक्षा में कटौती भी की गई है। उत्तर प्रदेश की सीएम सिटी गोरखपुर में अब भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने की दिशा में काम शुरू किया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा 100 एकड़ जमीन की मांग भी की गई है, जहां पर रीजनल फिल्म सिटी को बनाया जा सके। माना जा रहा है कि इस फिल्म सिटी के बनने से भोजपुरी फिल्मों के तमाम अभिनेता उत्तर प्रदेश को अपने शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्वीकार कर सकेंगे। इससे रीजनल फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और तमाम भोजपुरी कलाकारों को उत्तर प्रदेश में रोजगार भी मिल सकेगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा गोरखपुर के विकास की दिशा में भी गति मिल सकेगी।